हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वाक्या साधु में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पपड़ी। पपड़ी हम आपको बताते हैं हम किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हमने ये 250 ग्राम मैदा ली है पपड़ी बनाने के लिए। पपड़ी बनाने में जो सामग्री डालेंगे वो हम आपको बताते हैं। पपड़ी बनाने में हम जो सामग्री ले रहे हैं वो ये है। ये हमने एक चम्मच इसमें अजवाइन ली है दोस्तों। ये हमने तेल लिया है रिफाइंड, एक सब्जी वाला चम्मच बड़ा। नमक हमने स्वाद अनुसार लिया है। अब हम इन सभी सामग्रियों को मैदा के अंदर मिक्स करके आपको दिखाते हैं। देखिए दोस्तों, हम मैदा के अंदर अजवाइन मिला लेते हैं। ये हमने अजवाइन डाल दी है। इसी में हम ये स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। इसको एक साथ मिक्स कर लेते हैं। इसमें हम तेल डाल देते हैं। और इसको मिक्स कर लेते हैं। पपड़ी का आटा गूंदने के लिए हम इसमें पानी डाल लेते हैं। पानी हम कम कम ही डालेंगे। हम जो पपड़ी का आटा लगा रहे हैं इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालेंगे और इसको टाइट गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और जैसे ही हमारा आटा गूंद कर तैयार होता है हम आपको दिखाते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आटा हमारा गूंद कर तैयार हो चुका है। ये देखिए आटा हमारा कितना अच्छा गूंद के तैयार हुआ है। और इसमें ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, इसको गाढ़ा ही रखना है आटे को। और अब हम इसकी लोइयाँ तोड़ तोड़ के और इसकी पपड़ी बनाएंगे। तो हम आपको बता देते हैं हम लोइयां किस तरह से तोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, अब हम इसको गोली तोड़ लेंगे छोटी छोटी से पपड़ी बनाने के लिए। ये देखिए, हम इस तरह से तोड़ तोड़ के रख लेंगे, ना ज़्यादा छोटी ना ज़्यादा बड़ी। इसकी हम पपड़ियाँ बनाएंगे। अब हम इनको बेल के और आपको दिखाते हैं हम किस तरह से पपड़ी बना रहे हैं। देखिए दोस्तों, हम पपड़ियों को बेल लेते हैं। ये देखिए, हम ऐसे बेल बेल के और इनको रखते जाएंगे और इस तरह हम सारी पपड़ियों को बेल लेंगे। ये देखिए, ये हमारी पपड़ियाँ बन गई हैं। इसको हम रखते जाएंगे और ऐसे ही ले लेके और पपड़ियों को बेलते जाएंगे। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, पपड़ियों को हमने बेल कर इस तरह तैयार कर ली है। अब हम इनको तल के और आपको बताते हैं कि हम इनको किस तरह से तेल में तलेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारी पपड़ियों को बेल लिया है। ये देखिए, हमने बेल के तैयार कर ली है। अब हम इनको तेल में फ्राई करके तल के आपको दिखाते हैं। तो चलिए हम इनको तल लेते हैं, आइए। तो चलिए दोस्तों, हम गैस को ऑन कर लेते हैं। गैस हमने जला ली है। अब हम तेल को गर्म होने देंगे।
ये देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें अपनी पपड़ियाँ डाल देंगे। देखिए दोस्तों, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसे इसमें हमारी पपड़ियाँ डाल देते हैं। पपड़ियों को हम इस तरह से डालेंगे। धीरे धीरे करके डालेंगे तेल में, एकदम नहीं डालेंगे। और इसको धीमी धीमी आंच पे ही सेकेंगे। धीरे धीरे आगे सेकेंगे हम। ये देखिए दोस्तों, हमारी एक तरफ से सीख गई है। मैं इनको पलट देते हैं, पपड़ियों को मैंने पलट दी है। और इसी तरह से हम इनको सेक लेंगे, सब लग रहा हो जाएंगे तेल में। इनको सेक कर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारी पपड़ी कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। देखिए एकदम क्रिस्पी कुरकुरारी सिकी है ये तेल में। हम इनको अदर बलत करके सेक लेते हैं और फिर आपको निकाल के दिखाते हैं। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, हमारी पपड़ी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी अच्छी पपड़ी बनी है हमारी। ये देखिए देखिए कितनी क्रिस्पी हमारी पपड़ी बनके तैयार हुई है। हम आपको देखो इसको हाथ में लेके तोड़ के बताते हैं। ये देखिए, ये देखिए कितनी कितनी क्रिस्पी बनी है। ये देखिए तो दोस्तों, जिस तरह से हमने ये पपड़ी बनाई है, आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए, अपने घर परिवार में बना के खिलाइए। और दोस्तों, हमारे चैनल वाक्या स्वादे को आप इसी तरह दिल से पसंद करते रहें। आप सबका धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल वाक्या स्वादे को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाना ना भूलें दोस्तों, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जब तक हम नया वीडियो लेकर आते हैं दोस्तों, तब तक के लिए आपको बाय बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।